Assalamu alaikum, 6th class. How are you? Students, in our previous lecture, we discussed about series circuits. बेटा, series circuits के बारे में हमने पढ़ा था, जिसे मैंने आपको बताया था कि series circuits में तमाम जो electrical components हैं, वो सब एक line में होते हैं. ठीक है जी, एक line में होते हैं, means जब एक को आप चलाएंगे, एक को आप run करेंगे इसमें electricity, तो सब के सब जो है glow करेंगे. ठीक है, लेकिन आज का जो topic है वो इससे काफ़ी different है. इसकी मैंने आपको एग्जांपल दी थी, घरों में यूज़ होने वाली लीड या जिसे आप एक्सटेंशन भी कहते हैं, कि जिसमें आप जब एक दफ़ा स्विच को कनेक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी से, मेन सप्लाई से, तो उसके बाद जितने भी उसमें सॉकेट्स होते हैं, उन सब में इलेक्ट्रिसिटी रन करती है और आप एट अ टाइम उसमें जितने भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स चाहें वो ऑन कर सकते हैं, उनको रन कर सकते हैं. ठीक है जी, लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज टॉपिक. गर्ल्स, टुडेज टॉपिक इज पैरेलल सर्किट्स. राइट डाउन यूनिट नंबर 4, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स. और टॉपिक इज पैरेलल सर्किट्स. बेटा, पैरेलल सर्किट्स वो होते हैं जो सीरीज से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं. सीरीज में मैंने आपको बताया इसका इलेक्ट्रिसिटी का पाथवे एक ही है, एक ही लाइन में इलेक्ट्रिसिटी रन कर रही है. लेकिन जैसे कि आपने रोड्स पे देखा होगा कि इलेक्ट्रिसिटी रोड्स पे आपने देखा होगा कि काफ़ी ट्रैफिक की लेन्स होती हैं एक ही वे में चलने वाली. ठीक है, और हर लेन में, हर लाइन में अलग अलग ट्रैफिक जो है वो रन कर रही होती है. बिल्कुल उसी तरह से इसमें पाथवेज, करंट के पाथवेज डिफरेंट होते हैं और आप एक ही टाइम में कई अप्लायंसेस को अलग अलग तरह से कंट्रोल कर सकते हैं. ठीक है जी, कैसे कर सकते हैं आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे. डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन द सीरीज सर्किट एंड पैरेलल सर्किट. सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट में क्या फर्क होता है बेटा. इन अ सीरीज सर्किट All the components are joined together in a line. तमाम components जो हैं बेटा एक line में होते हैं, series में. ठीक है जी, In parallel circuit, the components are arranged in such a manner. components, electrical components की बात हो रही है, वो इस तरीके से arrange की जाते हैं, इस manner में arrange किए जाते हैं that provide more than one pathway, कि उनको एक से ज़्यादा pathway मिल जाए, एक से ज़्यादा रास्ता मिल जाए for electricity to flow, कि उसमें से electricity pass हो सके. जस्ट एज मैं आपको इसकी एक सर्किट की डायग्राम दिखाना चाहूंगी. ये देखिए बेटा, यहाँ पे ये स्विच लगा हुआ है, ये बैटरी सेल है और ये देखिए, ये एक ही सर्किट में दो अलग अलग लाइंस में बल्ब लगे हुए हैं. ठीक है जी, जब आपकी स्विच ऑन करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से पास होगी. दोनों पाथवेज अलग अलग है, मीन्स अगर एक बल्ब इसमें ब्लो हो जाता है, खराब हो जाता है, तो दूसरा बल्ब उसके बावजूद भी ऑन रहेगा. ठीक है जी, और इसके अलावा एक और मेथड भी है कि आप अलग अलग स्विच से भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं. दोनों जगह पे अलग अलग स्विच भी लग सकते हैं ताकि हम एट अ टाइम डिफरेंट, जो जैसे कि हमारे घरों में होता है कि हम अगर फैन ऑन करना चाहें, लाइट ना ऑन करना चाहें, तो हम सिर्फ वही स्विच ऑन करेंगे जिसकी हमें जरूरत होगी. ठीक है जी, बिल्कुल उस सर्किट को जो हमारे घरों में यूज होता है उसको हम पैरेलल सर्किट कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 देखें. व्हाट हैपन टू द बल्ब. बल्ब को क्या होता है बेटा इन अ पैरेलल सर्किट. पैरेलल सर्किट में बल्ब के साथ क्या होता है, इफ वन बल्ब ब्लोज. वही जो मैंने अभी आपको बताई कि अगर एक बल्ब खराब हो जाता है तो दूसरे बल्ब के साथ क्या होगा. बेटा, आपने सीरीज सर्किट में पढ़ा था कि अगर एक बल्ब खराब हो जाए तो उस लाइन में जितने भी बल्ब होंगे वो नहीं जलेंगे. ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था. लेकिन इसमें क्या होगा देखिए, इफ वन बल्ब ब्लोस, अगर एक बल्ब जो है वो खराब हो जाता है, उसका फिलामेंट पिघल जाता है या कोई और मसला हो जाता है. ठीक है जी, द अदर बल्ब कीप ग्लोइंग, तो दूसरा बल्ब उसके बावजूद भी जलता रहेगा. दिस हैपन्स, ये क्यों होता है, बिकॉज द सर्किट स्टिल रिमेन्स कम्प्लीट, क्योंकि दूसरी तरफ से सर्किट जो है वो मुकम्मल रहता है, कम्प्लीट रहता है थ्रू द अनडैमेज्ड बल्ब और बल्ब्स, जो बल्ब सही हैं उनके रास्ते से. ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम शोइंग अ सेल. आपने एक सर्किट डायग्राम बनानी है जिसमें एक सेल हो, अ स्विच एंड टू बल्ब्स कनेक्टेड इन पैरेलल, और दो बल्ब हैं जो पैरेलल सर्किट के जरिए से कनेक्ट होंगे. देखिए जी, मैंने डायग्राम बनाई हुई है, इसमें बेटा ये चीज आपका स्विच है, स्विच को ये टू वायर्स के जरिए से कनेक्ट किया गया है, ये टू बल्ब्स हैं, ये सेल है. ये देखिए जी स्टूडेंट्स, मैंने इसकी लेबलिंग कर दी है. गर्ल्स, इस पार्ट को हम स्विच कहते हैं. जब ये स्विच इस जगह से अटैच हो जाता है, ठीक है जी, तो सर्किट क्लोज हो जाता है और इलेक्ट्रिसिटी रन करना स्टार्ट हो जाती है. ठीक है जी, इस वक्त ये स्विच ऑफ है. ठीक है, ये बेटा सेल कनेक्ट हुआ है, ये यहाँ पे आपके सामने टू बल्ब्स हैं,
एक बल्ब का पाथवे ये अप साइड पे है ऊपर की तरफ है, और एक बल्ब का पाथवे जो है नीचे की साइड पे। इस तरह के सर्किट में जिसमें करंट के फ्लो के लिए दो अलग अलग रास्ते दिए जा रहे हैं, दो अलग अलग पाथवे हैं, इस तरह के बेटा सर्किट को हम पैरेलल सर्किट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन व्हाई बोथ बल्ब्स आर ऑफ इक्वल ब्राइटनेस। ये दोनों बल्ब जो हैं ये इक्वल ब्राइटनेस से क्यों जलेंगे, इनकी जो रोशनी है वो दोनों की एक जैसी क्यों होगी, किसी की कम किसी की ज्यादा क्यों नहीं होगी। ठीक है जी, आंसर देखिए, इफ टू बल्ब्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, अगर दो बल्ब्स को आप पैरेलल कनेक्ट करेंगे, पैरेलल सर्किट में कनेक्ट करेंगे, दे विल हैव द सेम ब्राइटनेस, तो उनकी ब्राइटनेस उनकी जो रोशनी है वो सेम होगी, बिकॉज देयर इज द सेम वोल्टेज अक्रॉस ईच, क्योंकि दोनों को सेम वोल्टेज मिल रहा है एंड द सेम करंट फ्लो थ्रू ईच बल्ब, और हर बल्ब में से हर ईच बल्ब में से बेटा जो करंट है उसकी अमाउंट भी बिल्कुल सेम होगी। से आपके सामने 2 एम्पेयर अगर ऊपर है तो 2 एम्पेयर ही नीचे होगा, दोनों में इक्वल करंट है और इक्वल वोल्टेज है। ठीक है बेटा, लास्ट क्वेश्चन देखिए आज के टॉपिक का, ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम शोइंग अ बैटरी। आपने एक सर्किट डायग्राम बनानी है जिसमें आपने एक बैटरी जिसमें 2 सेल्स होंगे जी एंड 3 बल्ब और 3 बल्ब होंगे। ठीक है, इसको आपने ऐसी सर्किट डायग्राम बना के दिखानी है। वन बल्ब मस्ट बी ऑन ऑल टाइम, एक बल्ब जो है बेटा वो हर टाइम ऑन रहेगा, एंड द अदर 2 मस्ट रिमेन इंडिपेंडेंट। ये आपको कंडीशन दी गई है इस क्वेश्चन में कि एक बल्ब जो है उसके साथ आपने पहले बल्ब के साथ स्विच नहीं लगाना, वो हर टाइम ऑन रहेगा, और जो दूसरे 2 बल्ब हैं उनके साथ आपने स्विच अटैच करना है ताकि वो इंडिपेंडेंट हो, हम चाहे तो उन्हें ऑन कर लें और चाहे तो ऑफ कर दें। ये देखिए जी आपके सामने मैंने सर्किट डायग्राम बनाई है बेटा, ये 2 सेल्स वाला ये बैटरी कनेक्ट की हुई है। ठीक है जी, इसके साथ आपके सामने ये 1, 2 और 3 ये 3 बल्ब शो किए गए हैं ये क्रॉसेस से। पहला बल्ब देखें ये डायरेक्ट कनेक्शन है इसके साथ, यहाँ पे कोई स्विच नहीं लगा हुआ। ठीक है, यानी ये एवरी टाइम ऑन है। दूसरे जो पैरेलल सेकंड जो बल्ब कनेक्ट किया है ये देखिए आपके सामने ये की है, या आप इसको स्विच भी बोलते हैं, इस स्विच के जरिए से इसे ऑन करेंगे। अगर हमने ऑन कर रहे हैं तो आप इस स्विच को क्लोज कर देंगे, और अगर तो ये बल्ब ऑन हो जाएगा, और अगर नहीं तो इसे इसी तरह से आप ऑफ रहने देंगे। ठीक है जी, ये देखें थर्ड बल्ब है, ये भी आपके सामने ये स्विच लगा हुआ है, स्विच से ये बल्ब कंट्रोल होगा, अगर हम ऑन करना चाहेंगे तो हम इसे ऑन कर सकते हैं, अदरवाइज ये बंद रहेगा। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच, आज के इन तमाम क्वेश्चंस को आपने अच्छी तरीके से रिवाइज करना है। थैंक यू सो मच क्लास।